देश के युवाओं को मोदी सरकार दिवाली पर रोजगार का तोहफा देने जा रही है। मोदी सरकार ने अप्रेंटिस नियम 1992 में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद अब बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा सकेगा। साथ ही अप्रेंटिस करने वाले युवाओं का न्यूनतम वेतन भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब अप्रेंटिस को 4,000 रुपए की जगह 9,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम वेतन मिलेंगे। ये अधिसूचना 25 सितंबर 2019 से ही प्रभावी होगी। अप्रेंटिसशिप नियम 2019 के अनुसार किसी संस्थान में अप्रेंटिस की भर्ती की सीमा कुल क्षमता के 15% तक कर दी गई है। ऐसे में अब अप्रेंटिसशिप की संख्या बढ़कर 2,60,000 पहुंचने की उम्मीद है, जो अभी के समय में 60,000 है, यानी 2,00,000 के करीब ज्यादा भर्तियां आएगी। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मुताबिक अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के लिए 21 थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स और 19 राज्यों के बीच MOU पर सिग्नेचर किए गए हैं। नए नियमों के तहत 5वीं से 9वीं कक्षा तक के छात्रों को अप्रेंटिस में 5,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। वहीं ग्रेजुएट या डिग्री धारक वाले अप्रेंटिस को 9,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। मोदी सरकार की ओर से राज्य सरकारों को इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को 560 करोड़ रुपए का फंड देगी। यहां आपको बता दें कि अप्रेंटिसशिप एक प्रकार की ट्रेनिंग प्रक्रिया होती है, जिसमें युवाओं को नौकरी के सारे गुर सिखाए जाते हैं। इसमें किसी सरकारी दफ्तर या किसी निजी दफ्तर में होने वाले काम की ट्रेनिंग दी जाती है। अप्रेंटिसशिप 1 से लेकर 1.5 साल की होती है, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान कुछ न्यूनतम वेतन भी दिया जाता है। साथ ही साथ ट्रेनिंग के दौरान उसी संस्थान में नौकरी मिलने का भी मौका होता है।